हमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते खेलते कुछ नई चीज दिखी आसमान में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को दिखाया जाए। और एक्सप्लोर भी किया गया है। पहले हमें लगा कि ये कुछ किसी तरह का स्पेसशिप है जो सामान या किसी तरह का वेपन्स वगैरह वो बैटल ग्राउंड में भेज रहा है, पर ध्यान से देखने पर पता लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू काइंड का फ्लोटिंग मैप है दोस्तों, और ये बहुत ही कमाल का है। पहले तो हमने सोचा कि इस तक पहुंचे कैसे, फिर हमने एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। देखिए अब हम इस पर लैंड करने वाले हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर है, और जिससे हमें लगा कि कोई ये क्रेट खुली है तो कोई ना कोई यहाँ पर होगा। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं और चेक कर रहा हूँ मैं, और ये एक बड़ी वो देखिए पीछे कोई आ भी गया तो थोड़ा सा एक मिनट पहले उससे निपट लें, बाद में हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इससे ये किसी तरह की क्रेट्स हैं जिसमें से वेपन निकल रहे हैं। अभी मुझे एक चिरौन मिली है, चलो चेक करते हैं। काफ़ी सामान था इस आदमी के पास, लगता है इसने इस मैप में से काफ़ी कुछ अपनी जेब में डाल लिया। अब देखते हैं इसके बाद इस तरफ देखिए काफ़ी सामान अब हम उठा रहे हैं। अब हम दूसरी साइड का मैप वगैरह चेक करते हैं, घूमते हैं इधर उधर। देखिए एक और क्रेट है और इसमें से हमें एंड्रिन मिला है। मतलब ये अभी तक समझ नहीं आया, ये क्रेट है तो है पर इसमें से सामान उठाते हैं। चलो देखते हैं और ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस मैप को। और देखिए कितना कमाल का ये मैप दिख रहा है, ऊपर से फ्लोटिंग मैप है ये, और इसका लैंड से किसी तरह का कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर पहले भी कोई आया, दो आदमी आ चुके, हमसे पहले दो सोल्जर्स आ चुके हैं, और देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत है। पर देखते हैं अब कॉल ऑफ ड्यूटी गेम हमें क्या क्या नई नई चीज़ें दिखाती है। बट इसमें ये देखिए मैप के दोनों तरफ टेरेस पे चढ़ने के लिए स्टेयर्स हैं, और वहाँ पर ऊपर भी हमें कुछ दिख रहा है। एक और क्रेट पड़ी है, चलो उसको भी देखते हैं। ये अभी तक ये नहीं पता कि ये क्रेट है किस तरह की, मतलब इसमें से निकल आता है वेपन और कोई ना कोई चीज़ निकल कर आती है जो बैटल ग्राउंड में आपको हेल्प करेगी। और ये बैक साइड पर भी काफ़ी सारी क्रेट्स पड़ी हैं। एक बात तो है कि सबसे पहले उड़कर यहीं पर आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको वेपन ही वेपन मिल रहे हैं, और इतने सारे वेपन्स हैं, इतनी सारी क्रेट्स हैं। ये देखिए पूरे, मुझे लगता है पूरे इलाके का ये बैटल ग्राउंड का मैप है, और काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ये। अब देखिए हर जगह वेपन पड़े हैं, बताओ आप जहाँ मर्जी, मतलब जितने मर्जी वेपन उठा सकते हैं यहाँ से। और अभी तो यहाँ पे और कोई नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। अब देखते हैं नीचे और कोई क्रेट पड़ी है या नहीं पड़ी। और हाँ ये क्रेट पड़ी है, और काफ़ी देखो तो हर जगह क्रेट्स हैं। वो पहले मेरे से पहले वाले सोल्जर ने भी उठा ली थी काफ़ी, बट ये काफ़ी अच्छी जगह है। एक सीक्रेट मैप भी है, और प्लस काफ़ी सारे आपको वेपन भी मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो गेम इंजॉय कर सकते हैं आप इससे बहुत अच्छी। अब देखते हैं, देखिए चारों तरफ कितना अच्छा व्यू है, और ये देखने में बड़ा कमाल का लग रहा है। शायद इन फ्यूचर कॉल ऑफ ड्यूटी और भी बहुत कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर आए, तो ये गेम काफ़ी अच्छी है। और अब हम ऊपर से इसको देखते हैं कि देखिए आप किस तरह का मैप है ये, और सब सारा का सारा बैटल ग्राउंड आसानी से यहाँ से दिख रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम इस बैटल ग्राउंड में होते हैं तो हमारे सिग्नल सारे जैम हो जाते हैं। देखिए हमारे टॉप कॉर्नर साइड में हमारा जो मैप व्यू है वो बंद हो गया है, तो यहाँ पर जैमर हैं। जब तक हम इसके ऊपर रहेंगे तो हमें ये नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है, कोई अगर आपको मारना चाहे, कोई मारने आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो अब चेक करते हैं, ये देखिए ये जो क्रेट्स है कमाल की हैं, ये तो बार बार वेपन को और चीज़ों को जनरेट कर रही हैं, और हर बार एक नई चीज़ मिलती है। चलो नीचे जाके चेक करते हैं। अरे बाप रे, ये देखो इस पिछली बार मुझे यहाँ पे एंट्री मिला, अब यहाँ पे MMC मिल रही है गन। अब देखिए इस पर पहले चिरौन मिली थी, अब स्ट्राइकर मिल रहा है। यानी ये कुछ टाइम बाद अपने आप रीजनरेट होते हैं, मतलब आपको कभी भी मौका लगे तो आप आ सकते हैं। अगर कोई यहाँ से वेपन ले गए हैं तीनों क्रेट में से, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब दोबारा वेपन नहीं मिलेगा, बड़े आराम से दोबारा वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मैं भी बड़ा हैरान हुआ। पहले ये शुरू में कुछ पीस ऑफ ब्लॉक्स दिखते थे, कलर लाइट दिखती थी, एक तरह की मटेरियल लाइट दिखती थी आसमान में, तो मैं सोचता था पता नहीं किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच है या क्या है, पर ये बहुत अच्छा मैप है। चलो इस हेलीकॉप्टर को लेकर अब एक्सप्लोर करते हैं इस मैप को, आसपास से देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। ये देखिए ध्यान से, ये कुछ नीचे को ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नीचे को जा रहा है, या इसकी पावर है जिसके सहारे ये हवा में उड़ रहा है, सम काइंड ऑफ लेविटेशन।
और ऐसा लग रहा है, पर देखने में बड़ा ही शानदार है। देखिए आप ध्यान से, और कितना अच्छा लग रहा है ये तो। अब हम इसके बाहर से इसको चारों तरफ से चेक करते हैं धीरे धीरे। ये नीचे कुछ सामान है, चलो चेक करते हैं। अच्छा, एक टेंट और एक प्लानिंग टेबल है, मैप एक तरह का विद सम काइंड ऑफ डिजिटल मैप, और जैसे सारे बैटल ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। एक तरह का बेस कैंप है कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो भी चीज़ें इससे बाहर आते हुए दिख रही हैं, ये किस तरह का तो पावर सोर्स है जिसके सहारे ये हवा में उड़ रहा है। किस तरह की लेविटेशन हो रही है यहाँ पर। और देखिए अभी हम लोग ये ऊपर से देखते हैं इसको, और वो देखिए वो क्या हुआ, अभी वो हेलीकॉप्टर अपने आप वापस आया। मतलब यहाँ पे ये वाला हेलीकॉप्टर अपने आप जनरेट भी होता है, मतलब अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ा के ले गया तो बाद में फिर से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे चॉपर्स भी अपने आप आ रहे हैं, वेपन्स तो आ ही रहे हैं, पर अब चॉपर है, मैंने उसको यूज़ कर लिया, अब उसके बाद वहाँ पे फिर से चॉपर आ गया। अब मैं इसको लैंड करूँगा, उसको दोबारा उठाऊँगा तो मुझे लगता है फिर वहाँ से चॉपर आ जाएगा। अब देखिए जितनी देर के लिए आप उस मैप के बेस से दूर हैं, उसकी लैंड से दूर हैं, वो आपका सारा कॉर्नर वाला मैप काम कर रहा है, पर जब आप उस पर लैंड कर जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नल जैमर्स हैं जिस वजह से आपको कुछ नहीं दिखेगा। चलो हम बाकी का मैच देखते हैं किस तरह से कुछ कोई नई चीज़ मिलती है या नहीं, या यही एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। तो अब हम चल दिए हैं अपनी बाकी दुश्मनों को ढूंढने ताकि हम इस मैच को जीत सकें, और क्योंकि अब इसमें इतना अच्छा खासा हमें मैप भी मिल गया है और वो भी मिल गया है, क्या कहते हैं, नया फीचर भी मिल गया है, तो मुझे लगता है मुझे ये मैच जीत ही लेना चाहिए। और वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विनर ही होता हूँ, अपनी फालतू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं हम कहीं ना कहीं लैंड करते हैं, और लैंड करने के बाद मैप की तरफ चलते हैं कहीं ना कहीं, बाकी मैच चलता रहेगा अब इसी तरह। एक जो बैटल रॉयल है उसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, उसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे कहीं से कभी भी आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। मतलब वॉरफेयर में जाओ तो पता है सब तरफ से मतलब आएंगे, है ना, सब तरफ से सोल्जर आएंगे, चारों तरफ से आएंगे एक टाइम पे, आते ही रहेंगे। पर इसमें क्या है, इसमें कोई अचानक आपको शूट करता है, मतलब इसमें जो सस्पेंस और थ्रिल बना रहता है गेम में। और नो डाउट गेम के बाकी मोड भी बहुत अच्छे हैं, पर चलो देखते हैं। अब भाई बहुत अकेली खाली जगह है, तो छोटे बच्चे इसीलिए बैटल रॉयल नहीं खेलते, डर जाते हैं, बोलते हैं खाली जगह है, कोई नहीं है, पता नहीं लग रहा, कोई दिखता नहीं है। मतलब मार धाड़ वाला काम उनको ज़्यादा पसंद आता है, पर मुझे लगता है कि मुझे ये क्लासिक बैटल रॉयल ज़्यादा पसंद है। और देखिए अभी हम अपने सेफ जोन में एंटर होते हैं, और शायद थोड़ी देर में हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, देखते हैं कोई मिलेगा कि नहीं। चलो एंड्रेन, तब तक एंड्रेन लगा लेते हैं ताकि कोई ना कोई सरप्राइज दे तो बचे रहे हम लोग। और वैसे तो आमतौर पे मैं अपने जूनियर के साथ खेलता हूँ, टीम में हम दोनों एक साथ खेलते हैं, और अभी वो बिजी है किसी और गेम में, तो मैंने सोचा कम से कम मैं ही खेल लूँ और ये नया फीचर फटाफट हम YouTube पे लोगों को दिखाएं। हाँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, पंजाबी गेमर 63 ऑन YouTube। और हम इसी तरह बने रहेंगे और आपके एंटरटेनमेंट भी करते रहेंगे। ये देखिए अभी कोई ऊपर से कोई घूम कर नीचे आया, चलो उसको ढूंढते हैं और देखते हैं ये शिकंजे में आता है कि नहीं आता। मैं अपनी गन्स वगैरह रीलोड कर चुका हूँ, और अभी मैं ड्रोन छोड़ कर देखता हूँ। ड्रोन और वो मिल गया, ये बड़ा फ़ायदा होता है मुझे हमेशा से। चलो इसीलिए मैं ज़्यादातर मैकेनिक ही बनता हूँ। ये ड्रोन देखो एक के बाद एक आदमी को ढूंढ रहा है, और वो एक और मिल गया सोल्जर हमें। चलो इस पार्टिसिपेट का भी करते हैं सफाया, और ओ माय गॉड एक और आ गया, वो तो बहुत साथ में चुके क्या। चलो मेरे लिए तो सामान ही बहुत इकट्ठा हो गया, थैंक यू दोस्तों इतना सामान देने के लिए। भाई इस गन को भी रीलोड कर ले, कोई टपक गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखते हैं अब क्या कुछ है इनके पास। रेगुलर काम, उठाओ उठाओ उठाओ, जितना मर्जी सामान उठाओ, उठाते जाओ, जेब में भरते जाओ। और वो वाली क्रेट को भी देख लेते हैं भाई, वो मर गया बेचारा, उसको क्यों नाराज करना है ना, उसका भी सामान उठा लेते हैं। बाद में गुस्सा करेगा मेरे को, बिना बात मार डाला, कुर्बानी बेकार गई।
तो चलो इसका क्रेट भी चेक कर लेते हैं। अब क्रेट चेक करने के बाद भाई अब 37 लोग अभी पड़े हैं, और जैसे जैसे मैप छोटा होता जाएगा, ये आजकल एक नई चीज आई है, बड़ा स्पीड से भागता है बीच बीच में, मतलब पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया शायद, पर बीच बीच में पता नहीं क्या इसका फंडा है, अभी तक मुझे नहीं पता, पर ये अचानक ही मतलब भागने लगता है, सुपर स्पीड फ्लैश बन जाता है, सोल्जर है कि क्या है ये। चलो अभी वैसे वैसे मेरी जो वैसे तो देखो ज्यादातर जो बेस्ट गन्स मानी गई हैं वो PWD है, PDW है, या चिरॉन है, पता नहीं मतलब, पर जो मुझे ज्यादा पसंद आती है वो सारे LMG काइंड की हैं, SMG तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती, तो ये M4 LMG भी मुझे पसंद है, और RPD भी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज भी है और इनकी जो बुलेट्स है ना बहुत इम्पैक्ट करती हैं प्लेयर के ऊपर, मतलब दो तीन बुलेट्स लगी और आसानी से सामने वाला साफ। अब यहाँ अरे भाई ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, इस तरफ तो सेफ जोन खत्म है, चलो वापस चलते हैं, और अब कोई मिल नहीं रहा है, कोई मिलेगा तो टपकेगा ना, ले ड्रोन का इसका यही फायदा है, मतलब आपको पहले ही वार्निंग मिल गई, मैकेनिक और बैटल रॉयल में एक से ज्यादा मैकेनिक हो सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है आप टीम में खेलते हो तो आप अकेले मैकेनिक बनते हो, या कोई और ले गया तो आप मैकेनिक नहीं बन सकते, इसलिए मुझे अकेले खेलना भी पसंद है, पर टीम में खेलना भी अच्छी बात है, और हमें बात करके इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर लोग ना टीम में बात नहीं करते, बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से क्या है, अगर आपके पास एक स्नाइपर है आप उसको कवर कर सकते हो, कवर मांग सकता है, आपको जरूरत है तो वो आप मतलब एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हो, और आपको एक साथ खेलना चाहिए, गार्ड भी कर सकते हो ना। चलो देखते हैं, यहाँ से उड़कर चलते हैं, अब यहाँ कोई दिखेगा, ये जगह मुझे ज्यादा सेफ लग रही है, इस तरफ चलते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, किसी हिल के कॉर्नर पे जाकर और उसके नीचे एक स्टेप नीचे खड़ा रहना पसंद करता हूँ, कि कम से कम कोई पीछे से जल्दी जल्दी नहीं आएगा, आ भी गया तो पता लग जाएगा ना। तो अब ढूंढते हैं अगर कोई मिल जाए तो, वैसे तो मैंने अच्छे इस पर स्कोप्स यूज किए हैं, और 4x टेक्टिकल स्कोप भी है, 3x भी है, तो देखते हैं शायद उसी से कुछ ढूंढ के देखते हैं। यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा अभी तो, ये देखिए इसके इसके हाँ वो दिखा, एक एक तो दिखा, पर इतने दूर गोली मारने का भी कोई फायदा नहीं है, तो उससे मिलने चलते हैं, मिलकर बात करेंगे, पर देखिए कभी भी आप किसी के पास जा रहे हैं तो छत पे ऐसी जगह पर लैंड कर जाइए, क्योंकि ऊपर से आप दूसरों को ज्यादा सरप्राइज दे सकते हैं, और आपको कोई मिले ना मिले पता नहीं लगता, अरे मैंने कहीं और गोली चला दी, चलो गन चेंज कर ले भाई जल्दी। हाँ हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर दुश्मन आपके सामने है तो रीलोड मत कीजिए, अब वेपन चेंज कीजिए, तो उससे क्या है आप बड़ी जल्दी आप दोबारा फायर करने की पोजीशन में आ जाते हैं, और जब भी आपको टाइम मिले आप अपने वाइटल चेक करते रहिए, अपने बैक। एंड्रेलिन मेडिकेट ये वगैरह यूज करते रहिए, और वेपन्स लोडेड रखिए, और और अपने बैकपैक्स भी यूज करते जाइए, और अपने बैकपैक्स में ये भी देखते जाइए कि कोई फालतू चीज। ये मेरा दूसरा प्लेयर है, इसको अभी अभी बैटल रॉयल जा गई है इसके अंदर, तो मेरे हेल्प करने आ गया कि मैं भी दो चार बातें बोल दूं, और ये जो हमारा जूनियर है, और ये भी बहुत अच्छा खेलता है, ये भी धुआंधार खिलाड़ी है, बस वो कहते हैं ना वो पंजाबी भोले टिड्डे की तरह, बस गन उठाता है और घुस जाता है दुश्मन के इलाके में। हाँ तो आप बताएंगे कुछ गेम के बारे में ये मुझे, गेम खेल में एक और आया है, रिवॉल्वर और एक स्नाइपर चैलेंज, और ओके चलो ये वो पीछे से ये मारा अपनी है, रोमांस सुनाने लग गए थे, जो उनकी अपनी फीलिंग्स हैं बहुत सारी, और ये तो पीछे भी मार रहा है, हाँ हाँ भागो भागो, हाँ चलो अगर आपको लोकेशन का ना पता लगे तो पहले तो वहां से खिसको, और यस खिसको अपने वाइटल चेक करो, अपनी पावर बढ़ाओ, एंड्रेलिन हमेशा अपने पास रखो, जितने मैक्सिमम रख सकते हो, मेरे ख्याल आप 10-11 एंड्रेलिन आप उठा सकते हो, ड्रोन और यूज ड्रोन करो, हमेशा हेल्प करता है आपकी, देखो अभी ड्रोन ने हेल्प तो कर दी मुझे, तो फिर नहीं मिल रहा ये बंदा कहाँ पे है, तो वो रहा एक बंदा वो रहा, तो उसको ढूंढते हैं, असल में मैं कभी कभी ड्रोन भी ट्रैक नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्या इसका रीजन है, ये लो दोनों भैया इकट्ठे मिल गए, बताओ ये टीम थी क्या था, पास पास में खड़े थे, बताओ ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप टीम में भी हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप ना मतलब पास में भी हो और दूर भी हो, मतलब इतना ना हो कि किसी गन पॉइंट पे सीधा एक ही निशाने पर आ जाओ, तो इतना पास रहो, इतना दूर रहो कि भाग कर एक दूसरे की हेल्प के लिए आ सको, और इतना पास भी ना रहो कि एक गोली और दो शिकार हो जाए, मतलब एक तीर और दो शिकार। चलो इस तरफ हम अपने जो है सेफ जोन के एंड की तरफ खड़े जाते, मतलब सॉरी बीच बीच में मेरी पंजाबी जाग जाती है, यहाँ खड़े रहते हैं, और
देखते हैं इस तरफ से अगर कोई मिले, क्योंकि मैं हमेशा उस तरफ एंड में मैं उस तरफ ही जाना पसंद करता हूँ जिस तरफ से किसी के आने की पॉसिबिलिटी ना हो। और ये जो ब्लू शील्ड है इसके बाहर से तो कोई आ ही नहीं सकता जल्दी जल्दी, और आ भी जाएगा तो वैसे बेचारा अधमरा होगा। तो हमेशा इसी तरफ रहा कीजिए। अब देखिए, अब ये सबसे टेंशन वाला काम है, पांच रह गए हैं और मिलता है कभी कोई नहीं मिलता है, कभी अचानक लास्ट वाला स्नाइपर आपको आ जाता है। मेरे साथ एक दो बार हुआ, बड़ा खतरनाक काम है। मतलब टेक्निकली मैं हमेशा नहीं जीतता, पर ये मुझे सबसे टेंशन वाला काम और अच्छा भी लगता है, ये बहुत थ्रिलिंग होता है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। बताओ, पांचों हैं और सब छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे हैं, पता नहीं कौन किधर से आएगा और सरप्राइज देके चला जाएगा। और सरप्राइज में मिलता है कुछ नहीं है, बस गेम से बाहर हो जाते हो और फिर कोई मजा नहीं आता। तो ऐसे टाइम में मुझे लगता है कि ये ड्रोन बहुत काम की चीज है। मैं हमेशा ऐसे टाइम पे ड्रोन का यूज करना पसंद करता हूँ। देखिए, अभी ये ड्रोन अपने आप मुझे बता देगा कोई मेरा दोस्त दुश्मन है तो, इसने पहले जाके उसको हेलो बोलनी है, सत श्री अकाल नमस्ते करनी है, तो उसके बाद हम उसको जाके बिस्कुट की जगह गोलियां खिला देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब बैटल खेल रहे हैं, अब यहाँ चाय पानी तो पिला नहीं सकते। तो देखते हैं। यार देख लो, ये ड्रोन बस ऊपर ऊपर घूम रहा है और मुझे लगता है कि वो देखो, एक मिल गया, एक मिल गया, और ये देखो ये बॉम्ब देखिए इस गन का इफेक्ट। अरे एक और मिल गया, बताओ, मेरे तो साथ साथ लॉटरी लग गई इसको। अब देखना कहाँ गया, कहाँ गया, देखो 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 कितना इंटेलिजेंट है, बैठ गया आराम से। चलो बाय बाय भाई, भाई, भाई। और ये लो, वाह क्या बात है, विनर बन गए हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत, चलो विनर तो बहुत बार बन गए हैं, पर ये जो मैप में नए फीचर आए थे ना, ये बड़े कमाल के थे। तो दोस्तों प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, पंजाबी गेमर 63, और ये बहुत काम का है आपके लिए। अगर कोई मैं अच्छे काम कर पाया और आपको गेम के बारे में बता पाया, वैसे मैं नया गेमर हूँ तो मेरी गलतियों को भी माफ करना। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स। बाय बाय, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।